गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मॉडिफाइड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स मतलब गणित, जिनमें आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पूर्व हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कुछ परिभाषाओं के बारे में, कुछ जनरल डिफिनेशन जो हमारे काम की हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पहले हम उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जानेंगे, इसके बाद ही हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। जैसे मुझे पहले जानना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहले क्या जानना है मुझे? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या तो आपको मालूम है, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है। पहले नंबर में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये आपको मालूम है, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार डैश 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 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फर्स्ट नंबर पे हमारी परिभाषा हुई प्राकृतिक संख्या की। दूसरे नंबर पे हमें जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या जानना जरूरी है? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है, और क्या है कि वो भी अनंत तक जाती है। दूसरी परिभाषा पूर्ण संख्या की ये कह सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित किया कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की आपने परिभाषा क्या पढ़ी है? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत। क्या? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या की एक स्पेशल परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर अथवा पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं वो भी परिमेय संख्या कहलाती है, तथा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है एवं अशांत आवर्ती होता है। सपोज द हम एक परिमेय संख्या 1/2 ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 1/2। 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है। अब इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो देखेंगे एक में अगर आप 2 का भाग देंगे तो भाग तो होगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 × 2 = 10। अब ये हमारा क्या हुआ? इसका दशमलव प्रसार क्या आया? दशमलव प्रसार क्या हुआ? 0.5। और ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं जहाँ पे क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत। क्या? दशमलव प्रसार शांत एवं अशांत आवर्ती होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पे परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से बच्चों आप कक्षा 9 में परिचित हो चुके